हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एन एम्पलीफायर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एम पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा एम क्या है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो कि अब से यूट्यूब पर मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टडी करने वाले हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टडी करने वाले। आप कहोगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है सर, तो मैं बता दूं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक मल्टीपर्पज डिवाइस होती है या एक मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है, या ये क्या हो सकता है, एक मल्टीपर्पज डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या आप कह सकते हो मल्टी पर्पज इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। अब मतलब सिंपल सी बात है, मेन तो ये डिवाइस ही है, ठीक है, बट ये डिवाइस एक्चुअल में क्या है, एक सर्किट ही है। मतलब अगर डिवाइस को अंदर से खोल के देखो तो आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर मैंने वेल पैक्ड कर दिया तो वो क्या बन गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन गई। तो आप क्या कह सकते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर अभी के लिए ये समझो कि एक मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब क्योंकि आपको पता है कि आजकल जमाना क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट का जमाना है, यानी आईसीज का जमाना है कि हर चीज की आईसी बन जाती है। तो इसका मतलब अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो इसकी भी आईसी बना सकते हैं, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आज की डेट में आईसी की फॉर्म में भी मिलता है, यानी चिप की फॉर्म में मिलता है, इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में मिलता है। यानी बेसिक्स ऑफ एन एम्पलीफायर आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एम है कि हमें आगे चल के, आगे जितने भी वीडियो में अपलोड करूंगा उनमें हमें आने वाले वीडियो में यह समझना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है और इसका काम क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके यूज क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सब समझेंगे। अब क्यों मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को स्टार्टिंग में समझाने के लिए सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये एक मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिकॉज एक सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी एक सिंगल डिवाइस बहुत सारे काम कर सकती है। कैसे कैसे काम कर सकती है उसके कुछ एग्जांपल समझ लो। यानी एक सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसे हम अभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में एम्पलीफिकेशन कर सकती है, एम्पलीफिकेशन कर सकती है, यानी एक तरह से एम्पलीफायर की तरह बिहेव करती है, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करती है यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिवाइस, ठीक है, या किसी दो सिग्नल के बीच में कंपैरिजन कर सकता है यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कंपैरिजन, ठीक है, दो सिग्नल को ऐड कर सकता है, यानी यह परफॉर्म कर सकता है एडिशन, दो सिग्नल के बीच में सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का डिफरेंशिएशन भी कैलकुलेट कर सकता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का इंटीग्रेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का लॉग भी बना सकता है एंड एंटी लॉग भी बना सकता है, और इस तरह के बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सिंपल सी बात है, देखो आजकल जमाना ऐसा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की हेल्प से अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल फोन में जो मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हो, आप इंटरनेट की सर्फिंग भी कर सकते हो, ब्राउजिंग भी कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यानी हम कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और उन बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अगर मुझे यूटिलाइज करना है या रिकवर करना है, या इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना है, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से फिर से इंफॉर्मेशन को रिकवर करना है, यानी बहुत सारे टास्क जो भी हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज परफॉर्म करती है, उनमें ये बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, और ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल डिवाइस का हम यूज कर सकते हैं जिसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जो सिग्नल हमारे इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है, तो
इंफॉर्मेशन कैसे सिग्नल में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से हम दोबारा इंफॉर्मेशन रिकवर कर सकते हैं, और फर्दर उस इंफॉर्मेशन में और क्या क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एडिट भी करते हैं, जो हमें मिल रहा है उसे हम कभी कभी एडिट भी करते हैं, यानी बहुत सारे टास्क जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं इस टाइप के, और ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एक सिंगल डिवाइस परफॉर्म कर सकती है जिसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, एक डिवाइस है और ये कई सारे काम करती है, तो इसी वजह से मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिटेल में समझना है, एकदम बेसिक से समझना है, तो वो बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते ही क्यों है। देखो, ऑपरेशनल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कई सारे ऑपरेशन इस टाइप के परफॉर्म कर सकता है, और एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं उसका रीजन आपको आज का ये टॉपिक देगा। तो सिंपल सी बात है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिटेल में समझने के लिए पहले आपको दो चार कंसेप्ट पहले अच्छी तरह से समझने होंगे। पहला तो ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एम्पलीफायर होता क्या है, एम्पलीफायर होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर की जरूरत हमें पड़ी, क्यों पड़ी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर करता क्या है, ये सब हम आज के इस वीडियो में समझेंगे, बेसिक्स ऑफ एन एम्पलीफायर में। क्लियर हो गई बात। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझने के लिए तो सबसे पहले मुझे एम्पलीफायर समझना होगा, और एम्पलीफायर के बाद अगर जैसे हम आज का ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बाद हम ये समझेंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होते हैं, ठीक है, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होते हैं, जब हम ये समझ जाएंगे तब हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहने का मतलब है एक एम्पलीफायर ही तो है, तो एम्पलीफायर क्या होता है वो आज के इस वीडियो में समझ लेंगे, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, बिकॉज ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाए जाते हैं, इस वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सबसे पहले आपको एम्पलीफायर समझना होगा। एम्पलीफायर आज के इस वीडियो में हम समझ जाएंगे, और फिर अगले वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। क्यों समझेंगे, बिकॉज ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो या दो से ज्यादा डिफरेंशियल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर हो गई बात। तो अगर आपको डिटेल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सबसे पहले आज का ये वीडियो देखना होगा जिसमें हम ये समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, इनकी क्यों जरूरत पड़ी, और ये काम क्या करते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट वीडियो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर ही लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा एम है आज के इस टॉपिक को पढ़ने का। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ एन एम्पलीफायर की स्टडी करना। इसको मिटाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि अब से YouTube पर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टडी करने के लिए ही वीडियो अपलोड करूंगा, तो कई सारे वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे, तो उसकी एक सीरीज बनेगी। तो सिंपल सी बात है, उस सीरीज का सीरियल नंबर मैं क्या डालूंगा वो समझ लो। देखो, हमारा एम क्या है इस वीडियो को और आने वाले हर वीडियो को अपलोड करने का, कि हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टडी करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर जो अच्छी अच्छी बुक्स होती है फिजिक्स में, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्टकट में ओप एम्प बोलती है, यानी उन बुक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सिंपली ओप एम्प लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी अब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उनका सीरियल नंबर ये डालूंगा ओप एम्प 01, ऐसे डालूंगा ओप एम्प 01, 02, 03, 04। तो सिंपल सी बात है, आज के इस वीडियो का नाम क्या हो जाएगा, ओप एम्प 01 बेसिक्स ओप एम्प एम्पलीफायर। अगले वीडियो का नाम हो जाएगा ओप एम्प 02 डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इस तरह से हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टडी करने के लिए मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा, उनका नाम इस तरह से दूंगा, ठीक है। अब समझते हैं बेसिक्स ऑफ एन एम्पलीफायर को, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो अब बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक की, जिसको हमने हेडिंग दी थी बेसिक्स ऑफ एन एम्पलीफायर। तो इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एम्पलीफायर करता क्या है, इन दोनों पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद इस टॉपिक की डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, होता क्या है
कि इलेक्ट्रॉनिक्स में या कह लो फिजिक्स में हमें बहुत बार सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेजना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेजना पड़ता है, कहने का मतलब है सैटेलाइट से ग्राउंड में किसी रिसीवर की तरफ कभी हमें सिग्नल भेजना पड़ता है, या आपका मोबाइल टावर से सिग्नल आपके मोबाइल फोन तक भेजना होता है, या आपका जो इंटरनेट का केबल है वो सर्वर से आपके घर तक किसी वायर के थ्रू वो डेटा वो सिग्नल पहुंच रहा है। यानी कई जगह आपको सिग्नल को या कह लो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल को भेजना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भेजना होता है। ठीक है, यानी ये भेज क्या रहा है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को अभी के लिए मैं इस तरह से दिखा देता हूं, ठीक है, एक साइन वेव की तरह दिखा देता हूं। यानी हमें क्या भेजना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजना होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को आप ये भी कह सकते हो कि हमें डाटा भेजना है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यानी डाटा क्या हो सकता है, वो कोई वॉइस हो सकती है या कोई पिक्चर हो सकती है या कोई वीडियो हो सकती है या कोई टेक्स्ट हो सकता है या इसके अलावा और कुछ। उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, उसको मुझे इस रिसीवर तक भेजना है। यानी इसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को मुझे इस रिसीवर तक भेजना है, इसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, जो कि अगेन यही चीजें होंगी। ठीक है, यानी यही चीजें मुझे कहां भेजनी है, रिसीवर तक भेजनी है। तो इसके लिए आज की डेट में वायर्ड मीडियम का भी यूज किया जाता है या फिर वायरलेस मीडियम का भी यूज किया जाता है, वायरलेस मीडियम का भी यूज किया जाता है। अच्छा, वायर्ड मीडियम क्या हुआ, आपका केबल नेटवर्क हो गया, केबल हो गया, वेवगाइड हो गया, वेवगाइड हो गया या फाइबर हो गया, फाइबर केबल हो गया, यानी किसी भी केबल के थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसमीटर यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेज दें, तो हम ये काम वायर्ड मीडियम के थ्रू भी कर सकते हैं। और वायरलेस मीडियम में आपको मैं बताऊं, रेडियो सिग्नल हो गए, रेडियो वेव्स हो गई, उनके थ्रू भी हम ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यानी वॉइस, पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट को भेज सकते हैं। यानी हम ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ कोई भी सिग्नल जब भी भेजते हैं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती है यानी सिग्नल को भेजने वाली जो डिस्टेंस है, यानी ये सिग्नल जैसे जैसे दूरी और दूरी कवर करता जाता है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करता जाता है, ये जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाता है, यानी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। यानी ओरिजिनली सिग्नल अगर इस साइज का है, अगर ओरिजिनली सिग्नल इस साइज का है जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो यहां पे दिखाते हैं कि इस डिस्टेंस पे इस सिग्नल का साइज थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर इस डिस्टेंस पे सिग्नल का साइज थोड़ा और कम हो जाएगा, इस डिस्टेंस पे सिग्नल का साइज थोड़ा और कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी सिग्नल की, जैसे जैसे सिग्नल डिस्टेंस कवर करता जाएगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। यानी रिसीवर के एंड में पहुंचने में सिग्नल आपको एक सिंगल लाइन में दिख सकता है, यानी फ्लक्चुएशन हो रहा है बट वो आपको सीधा ही दिखेगा, यानी हल्का सा फ्लक्चुएशन आप एक तरह से ऑब्जर्व करोगे कि वो तो सिग्नल है ही नहीं, वो तो एक डीसी सिग्नल है। यानी देखो ये क्या है, एक तरह से एसी है ना, तो रिसीवर के एंड में जो वो फ्लक्चुएशन है, जो एसी का फ्लक्चुएशन है, वो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाता है, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत डाउन हो जाती है।
यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक पड़ती जाती है जैसे जैसे सिग्नल डिस्टेंस कवर करता जाता है रिसीवर के एंड तक पहुंचने के लिए। यानी ओरिजिनली सिग्नल ये नहीं पहुंचा, ओरिजिनली सिग्नल बहुत वीक पहुंचा है। क्लियर हो गई बात? अब फिर से समझते हैं। देखो ट्रांसमीटर के थ्रू हमने क्या भेजा था, ट्रांसमीटर से हमने भेजा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो कि किसी वॉइस को शो करता है, किसी पिक्चर को शो करता है, या किसी वीडियो को शो करता है, या किसी टेक्स्ट को शो करता है, या कुछ भी शो कर सकता है। वो हमने भेजा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में। पहुंच क्या रहा है, वही सिग्नल पहुंच रहा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। अगर इस स्ट्रेंथ को रिसीवर के एंड सीधे मैं प्रोसेस करने लग जाऊं और ये डेटा को रिकवर करूं कि ये ओरिजिनली डेटा क्या है, यानी डेटा की जैसी मैं रिकवरी करूं, जैसी मैं डेटा की डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट रिकवरी कर रहा हूं, डायरेक्ट रिकवरी करूं कि वो डेटा एक्चुअल में था क्या, तो अगेन हमें वही मिलेगा, हमें मिलेगा वॉइस, पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट या जो भी हमने भेजा था ETC, वही मिलेगा। बट होगा क्या कि ये फेडेड होगा, ये फेडेड होगा, धुंधला होगा या क्लियर नहीं होगा, नॉट क्लियर, नॉट टू मच, नॉट टू मच क्लियर। क्लियर हो गया, फेडेड कहने का मतलब है नॉट टू मच क्लियर, यानी जो भी हमें मिलेगा अगर मैं डायरेक्ट जो भी हमें सिग्नल रिसीवर के एंड मिला उसको बिना उसका ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, यानी सिंपल सी बात है ओरिजिनल तो ये सिग्नल रह नहीं गया ना, इसकी स्ट्रेंथ लो पड़ गई है। अब अगर मैंने इसे डायरेक्टली डायरेक्ट रिकवर किया कि डेटा एक्चुअली भेजा क्या था, तो वो जो भी चीज मिलेगी वो बहुत धुंधली मिलेगी, चाहे वॉइस मिलेगी तो वो क्लियर नहीं मिलेगी, पिक्चर मिलेगी तो वो बहुत धुंधली मिलेगी, वीडियो होगा तो हो सकता है कि बहुत खराब फुटेज हमें मिले, टेक्स्ट होगा तो वो ज्यादा क्लियर ना हो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेंगी उस डेटा को रिकवर करने के लिए। क्लियर हो गई बात? तो फेस क्यों हो रही है ये सब प्रॉब्लम, क्योंकि सिग्नल का एक्चुअल स्ट्रेंथ कुछ और था और रिसीवर ने उस सिग्नल के स्ट्रेंथ को जब उस सिग्नल को जब रिसीव किया तो उसका स्ट्रेंथ बहुत लो था, ठीक है। इससे क्या हुआ, सिग्नल की क्वालिटी बहुत कम हो गई, यानी जो एक्चुअल क्वालिटी का सिग्नल था वो तो हमें मिला नहीं, तो इस सिग्नल को फिर से हमें इस फॉर्म में रखना है, यानी इस सिग्नल को अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना या सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना उसे हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं, एम्पलीफिकेशन कहते हैं, क्योंकि मुझे तो ओरिजिनली इस सिग्नल की ये स्ट्रेंथ चाहिए या ये एम्पलीट्यूड चाहिए और सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो लेस मिल गया या सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत लो है, तो उसको अब मुझे दोबारा उसी फॉर्म में लाने के लिए, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए या सिग्नल के उसी ओरिजिनल एम्पलीट्यूड को गेन करने के लिए मुझे एम्पलीफिकेशन करना होगा। और ये एम्पलीफिकेशन कहने का मतलब है ये सिग्नल जो कि इस साइज का था, ये एम्पलीफिकेशन कहने का मतलब जैसे मैंने इसे एम्पलीफिकेशन इसको एम्पलीफाई किया ये सिग्नल इस साइज का हो जाएगा, यानी ओरिजिनल साइज का हो जाएगा। और ये एम्पलीफिकेशन करता कौन सा है, जो डिवाइस ये एम्पलीफिकेशन करती है उस डिवाइस को हम एम्पलीफायर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, एम्पलीफायर। यानी सिंपल सी बात है जहां पे भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है वहां पे उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है कम होगी, डिक्रीज होगी। तो जब भी सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है हमें हर जगह एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और एम्पलीफिकेशन करेगा कौन, एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एम्पलीफिकेशन करती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। यानी एम्पलीफायर का काम क्या है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना या सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, ये एक एम्पलीफायर का काम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पलीफायर की जरूरत क्यों पड़ी। एम्पलीफायर की जरूरत तब पड़ी हमें जब भी हमें डेटा को किसी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करना होता था तो सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती थी, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमें एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो एम्पलीफायर की जरूरत हमें इसलिए पड़ती थी, और एम्पलीफायर का काम क्या है कि किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना या किसी ऐसे सिग्नल का जिसका एम्पलीट्यूड बहुत लो हो उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए जिस डिवाइस का यूज हमें
यूज करते हैं उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर का यूज क्या है और एम्पलीफायर करता क्या है। एम्पलीफायर का यूज क्या है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ठीक है, सिंपल सी बात है। एम्पलीफायर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करना पड़ता है, तो जब भी ट्रांसफर करना पड़ता है तब हमें एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। जब भी सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चाहे वायर्ड मीडियम हो या वायरलेस मीडियम हो ट्रांसफर करना होता है तो उस हर एक केस में मुझे एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गई बात। और एम्पलीफायर करता क्या है, वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, या ऐसे सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड बहुत लो है उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो बातों से, नहीं तो मैं नोट्स में भी समझाने की कोशिश करूंगा कि एम्पलीफायर की जरूरत हमें क्यों पड़ी और एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स में करता क्या है। ठीक है, इसे तो मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको ये सब बताया। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो एम्पलीफायर के बारे में अब तक मैंने जो कुछ भी समझाया कि एम्पलीफायर की इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूरत क्यों पड़ती है हमें, या एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स में करता क्या है, इसका यूज क्या है, वो सब जो भी मैंने समझाया उसको आप नोट्स में कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन के सामने पहले ही नोट कर दिया। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि नोट्स में मैंने क्या लिखा है। तो आप नोट्स में लिख सकते हो, एज वी ऑल नो दैट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन लाइक वॉइस, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ईटीसी, फुल स्टॉप। व्हेनेवर दीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड मींस ट्रांसमीटर टू एनी अदर एंड मींस रिसीवर, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बीइंग डिक्रीज्ड एज डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीजेज, फुल स्टॉप। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एक्चुअली में हमारे किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। वो डेटा क्या हो सकता है, वॉइस हो सकता है, फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है जिसको हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में हमारी इंफॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन वॉइस हो सकती है, फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, या कुछ और। ठीक है, अब होता क्या है कि कई बार हमें अपनी इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजनी होती है। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना होगा। यानी एक प्लेस, फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ट्रांसमीटर से अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किसी रिसीवर तक भेजते हैं, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा सिग्नल डिस्टेंस ट्रेवल करता जाता है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है, जैसा कि मैंने यहां बताया है। क्लियर होगी बात। फिर आगे आप नोट्स में लिख सकते हो, दिस इज टू बी हैपन इन बोथ केसेस इफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू वायर्ड मीडिया लाइक केबल, वेवगाइड, ऑप्टिकल फाइबर, और वायरलेस मीडिया लाइक रेडियो वेव्स। कहने का मतलब क्या है कि मैंने बताया था कि जैसे ही हम ट्रांसमीटर से किसी दूर किसी रिसीवर तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भेजते हैं, तो चाहे वो भेजने का मेथड कुछ भी हो, चाहे वो भेजने का मेथड हमारा वायर मीडिया हो, कहने का मतलब क्या है कि हम किसी केबल के थ्रू, वेवगाइड के थ्रू, या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल को भेज रहे हैं, या फिर हम अपने सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ किसी रेडियो वेव से भेज रहे हैं, चाहे कोई सा भी मेथड हम यूज कर लें ट्रांसमीटर से रिसीवर तक अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भेजने के लिए, कोई सा भी मेथड यूज कर लें, होगा क्या कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी हमारे सिग्नल की, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती रहेगी, चाहे हम कोई सा भी मेथड यूज करें। क्लियर होगी बात। इन दिस वे वी ऑलवेज गेट अ वीक एंड लो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एट रिसीवर एंड। यानी इसका मतलब यह है कि चाहे हम कोई सा भी मेथड यूज कर लें, चाहे हम वायर्ड मीडिया के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भेजें या किसी वायरलेस मीडिया के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भेजें, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ती जाएगी या लो पड़ती जाएगी। क्लियर हो गई बात। दिस काइंड ऑफ रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैन नॉट बी यूटिलाइज इफ इट डज नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रेंथ। इसका मीनिंग ये है कि चाहे हम कोई सा भी मेथड यूज कर लें, रिसीवर तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पहुंच रहा है उसकी स्ट्रेंथ बहुत लो है, ठीक है, तो अगर मैं उस लो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को यूटिलाइज करने की कोशिश करूं या रिकवर करने की कोशिश करूं कि एक्चुअल में उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन थी, वॉइस थी, फोटोज थी, वीडियो थी, या टेक्स्ट था, या कुछ भी था, उस इंफॉर्मेशन को अगर मैं रिकवर करने की कोशिश करूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि उस सिग्नल के पास एक प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली हमने सिग्नल एक
अच्छे स्ट्रेंथ का भेजा था, एक अच्छे एम्पलीट्यूड का सिग्नल भेजा था, बट रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्ट्रेंथ भी कम पड़ गई, उसका एम्पलीट्यूड भी कम पड़ गया। इस तरह से उस रिसीवर के एंड में जो हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल रहा है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्लियर होगी बात, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था। सो टू रिकवर द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एट रिसीवर एंड, वी हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वी हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फुल स्टॉप। द प्रोसेस of increasing the strength of electronic signal is called amplification and any device which is used for amplification is called amplifier। इस लाइन का मतलब समझो। देखो सिंपल सी बात है कि रिसीवर के रिसीवर एंड में यानी जो सिग्नल हमने रिसीव किया उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक है, बहुत लो है, तो उस स्ट्रेंथ को फर्दर उस सिग्नल को फर्दर प्रोसेस करने के लिए या फर्दर यूटिलाइज करने के लिए रिसीवर के एंड में उस सिग्नल को रिकवर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। अच्छा, किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और जो डिवाइस किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में एम्पलीफिकेशन करती है वो डिवाइस को ही हम एम्पलीफायर कहते हैं। क्लियर हो गई बात, और यही सब मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था, तो नोट्स में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो एम्पलीफायर की जरूरत हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों पड़ती है और एम्पलीफायर का काम क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको समझने के बाद अब एम्पलीफायर की एक बेस्ट डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर की एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो नोट्स में। एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अ सर्किट which is used to increase the strength of electronic signal applied to its input and gives identical amplified electronic signal at its output। कहने का मेरा मतलब ये है कि amplifier electronics में एक ऐसी device है जो क्या करती है, एक weak electronic signal को एक strong electronic signal में convert करती है। ठीक है, यानी इनपुट पे अगर मैं वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अप्लाई करूंगा तो इसके आउटपुट पे सेम फॉर्म का एक एम्पलीफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हमें मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिग्नल जिस शेप का होगा उसका एम्पलीफिकेशन होने के बाद भी सिग्नल उसी शेप का ही रहेगा। जैसे यहाँ पे एक साइन वेव का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है तो आउटपुट पे भी एक साइन वेव का ही सिग्नल मिलेगा, बट उसका एम्पलीट्यूड या उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इनपुट के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी। क्लियर होगी बात, अब कितना इंक्रीज होगी वो बात की बात है, लेकिन इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइन वेव का इनपुट सिग्नल, हमने एक वीक इनपुट सिग्नल डाला तो साइन वेव का हमें एक एम्पलीफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल गया आउटपुट पे। अगर फॉर एग्जाम्पल एक इस टाइप की पल्स होगी, एक रेक्टेंगुलर पल्स अगर मैं अप्लाई करता इनपुट पे तो आउटपुट पे एक एम्पलीफाइड रेक्टेंगुलर पल्स इस टाइप की हमें मिल जाती है। क्लियर हो गई बात, यानी इनपुट जैसा होगा जिस शेप का होगा इनपुट का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उसी शेप का एक एम्पलीफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलेगा। ये काम होता है एक एम्पलीफायर का, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आप आगे नोट्स में लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रॉनिक्स An amplifier is made up of one, two or more number of transistors, full stop, because a single transistor produces small amplification into electronic signal which is not generally sufficient for utilization of electronic signal, full stop. So for a sufficient amplification into an electronic signal, more than one transistor are connected back to back inside एन एम्पलीफायर। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि सिंपल सी बात है कि एम्पलीफायर करता क्या है वो मैंने बता दिया, लेकिन एम्पलीफायर को इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बनाते कैसे हैं उसको मैंने इन लाइनों में समझाया है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। एम्पलीफिकेशन एक ट्रांजिस्टर भी प्रोड्यूस कर सकता है, बट वो एम्पलीफिकेशन बहुत कम होता है, यानी इतना कम होता है कि उसको उस एम्पलीफिकेशन से जो प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो अभी भी वीक ही रहता है। यानी अगर मैं एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से एम्पलीफायर बनाऊं तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा, बट वो एम्पलीफिकेशन इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को आउटपुट पे हम फर्दर यूटिलाइज कर पाए। तो क्योंकि अभी भी
एम्पलीफिकेशन के बाद भी सिग्नल की स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज नहीं हुई जिसको हम यूटिलाइज कर पाए, तो इस वजह से हम एम्पलीफायर को बनाने के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, बिकॉज एक ट्रांजिस्टर सिग्नल को थोड़ा सा एम्पलीफाई करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को और थोड़ा एम्पलीफाई करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिस्टर उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को और ज्यादा एम्पलीफाई करेगा। इस तरह से एक एम्पलीफायर के अंदर एक के बाद एक के बाद एक ट्रांजिस्टर हम कनेक्ट कर देते हैं, तो हर एक ट्रांजिस्टर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में एम्पलीफिकेशन करता जाता है। इस तरह से एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सफिशियंटली एम्पलीफाई कर पाते हैं। क्लियर हो गई बात? इन लाइनों का मीनिंग यही है कि एक एम्पलीफायर को बनाने के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर की ही जरूरत पड़ती है, बिकॉज एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन करता है बट वो इतना सफिशियंट नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हम यूटिलाइज कर पाए, तो यूटिलाइज करने के लिए अभी और एम्पलीफिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए एम्पलीफायर के अंदर एक के बाद एक ट्रांजिस्टर हम लगाते जाते हैं, तो हर एक ट्रांजिस्टर कुछ ना कुछ एम्पलीफिकेशन करता है, तो एक एम्पलीफायर के अंदर एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर होने की वजह से हम उतना एम्पलीफिकेशन प्रोड्यूस कर पाते हैं जिसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को फर्दर यूटिलाइज कर पाए। क्लियर हो गई बात? यही इन लाइनों का मीनिंग है, ठीक है। यानी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनता किससे है? ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनता है, और ट्रांजिस्टर एक से ज्यादा अगर प्लेस है तो ट्रांजिस्टर एक के बाद एक हमें प्लेस करने होंगे, यानी हर एक ट्रांजिस्टर कुछ ना कुछ एम्पलीफिकेशन करेगा, तो एम्पलीफायर के अंदर एक के बाद एक ट्रांजिस्टर प्लेस होंगे, तो हर एक ट्रांजिस्टर कुछ ना कुछ एम्पलीफिकेशन करेगा, तभी मैंने ये लाइनें लिखी है बैक टू बैक। यानी एम्पलीफायर के अंदर जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो एक के बाद एक कनेक्टेड रहते हैं, और हर एक ट्रांजिस्टर कुछ ना कुछ एम्पलीफिकेशन करता है जिसके वजह से हमारा जो वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो एक सफिशियंट एम्पलीफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर होगी बात? इन लाइनों का मतलब और अच्छी तरह से समझाऊंगा, ऊपर की चीजें पहले मिटा रहा हूं। फिर नोट्स में इस लाइन को फिनिश करने के जस्ट बाद आप यानी इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे लिखोगे, इट मींस जनरली एन एम्पलीफायर प्रोड्यूस एम्पलीफिकेशन इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल थ्रू मोर देन वन स्टेज। इस लाइन का मीनिंग इन सारी लाइनों को एक्सप्लेन करता है, समझो इसका क्या मीनिंग है। देखो अभी मैंने बताया था कि एम्पलीफायर किससे बना होता है? ट्रांजिस्टर से बना होता है, ठीक है, मोर देन वन ट्रांजिस्टर से बना होता है। तो अगर मैं इस ब्लॉक को क्या बोल रहा हूं? एम्पलीफायर बोल रहा हूं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनपुट हमने दिया और वो इनपुट एक वीक सिग्नल है, इतना छोटा सिग्नल है, ठीक है। तो एम्पलीफायर बना किससे होता है? ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला ट्रांजिस्टर है, फिर इसके बाद एम्पलीफायर के अंदर तो एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर है, तो ये मेरा दूसरा ट्रांजिस्टर है, मैं ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ट्रांजिस्टर को। उसके बाद एक अगला ट्रांजिस्टर होगा, उसे T3 कह देंगे, ठीक है। कहने का मतलब है पहले ट्रांजिस्टर का आउटपुट दूसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट बनेगा, दूसरे ट्रांजिस्टर का आउटपुट तीसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट बनेगा, इस तरह से बैक टू बैक एक ट्रांजिस्टर के बाद एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट होता है एक एम्पलीफायर के अंदर। यही इन लाइनों का मतलब है, कनेक्टेड बैक टू बैक इनसाइड एन एम्पलीफायर, ठीक है। इस तरह से और भी होंगे बट हम उन पर डिस्कशन नहीं करते हैं। कोई एक लास्ट ट्रांजिस्टर है, उसे हम TN बोल देते हैं, और इसका ये आउटपुट है। तो होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इनपुट बहुत वीक था तो पहला ट्रांजिस्टर इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एम्पलीफाई करेगा इसको, इस सिग्नल को, तो फॉर एग्जाम्पल इतना एम्पलीफाई हुआ। दूसरा ट्रांजिस्टर इसको थोड़ा और एम्पलीफाई करेगा, तीसरा ट्रांजिस्टर इसको थोड़ा और एम्पलीफाई करेगा, और इस तरह से हर एक ट्रांजिस्टर इस वीक सिग्नल को कुछ ना कुछ एम्पलीफाई करेगा, और लास्ट में हमारे पास एक अच्छा खासा एम्पलीफाइड सिग्नल मिल जाएगा। तो जो ये एम्पलीफिकेशन की स्टेज है, यानी ये पहली स्टेज में थोड़ा सा एम्पलीफाई हुआ, दूसरी स्टेज में थोड़ा सा और एम्पलीफाई हुआ, तीसरी स्टेज में थोड़ा और एम्पलीफाई हुआ, फाइनल स्टेज में सबसे ज्यादा एम्पलीफाई हो गया जिसकी हमें जरूरत थी, तो इसको हम कहते हैं स्टेज। यानी स्टेज डिपेंड करती है ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट स्टेज जो पहला एम्पलीफिकेशन हुआ, इसे हम कहेंगे सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन, सेकेंड स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन, इसे कहेंगे थर्ड स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो कहने का मेरा मीनिंग यही है
कि एक एम्पलीफायर के का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कई सारे ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनता है, और वो सारे ही ट्रांजिस्टर बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं एम्पलीफायर एक ट्रांजिस्टर से भी बनाया जा सकता है, ऐसा मत समझना कि एम्पलीफायर बनाने के लिए एक से ज्यादा ही ट्रांजिस्टर चाहिए। एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी एम्पलीफायर बनाया जा सकता है, बट वो एम्पलीफिकेशन जो करेगा वो बहुत कम होगा, तो वो इनसफिशियंट होगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इस वजह से हम एम्पलीफायर, जनरली एम्पलीफायर जो बने होते हैं वो एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो यही इन लाइनों का मीनिंग भी है जो मैंने इस फिगर में समझाया है। इट मीन्स जनरली एन एम्पलीफायर प्रोड्यूस एम्पलीफिकेशन इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल थ्रू मोर देन वन स्टेज। यानी सिंपल सी बात है, एक एम्पलीफायर किसी सिग्नल में एम्पलीफिकेशन करता है किसकी हेल्प से, मोर देन वन स्टेज की हेल्प से। यानी एक स्टेज में एम्पलीफिकेशन करेगा, दो स्टेज में एम्पलीफिकेशन करेगा, तीन स्टेज में एम्पलीफिकेशन करेगा, इसी तरह से कई स्टेज में एम्पलीफिकेशन करने के बाद एक सफिशियंट एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो यही इन सारी लाइनों का मीनिंग था। आई होप आपको इस फिगर की हेल्प से ये लाइनें भी क्लियर हुई होंगी, और ये जो मैंने फाइनल लाइन लिखवाई कि एक एम्पलीफायर जब भी सिग्नल में एम्पलीफिकेशन करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में एम्पलीफिकेशन प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए एक से ज्यादा स्टेज का वो यूज करता है। और एक से ज्यादा स्टेज का यूज करने का मतलब क्या है कि उस एम्पलीफायर के अंदर एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर है, क्योंकि हर एक ट्रांजिस्टर कुछ ना कुछ एम्पलीफिकेशन करता है। इसलिए एक एम्पलीफायर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का एम्पलीफिकेशन मोर देन वन स्टेज के थ्रू ही होता है। तो इस तरह से मैंने फिगर में भी समझाया है इस लाइन को। तो यहां तक आप पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे आप नोट्स को कंटिन्यू करोगे और लिखोगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ एम्पलीफिकेशन इन एन एम्पलीफायर इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कहने का मतलब है कि अगर मैं एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन एम्पलीफिकेशन स्टेज के बेस पे करूं तो एम्पलीफायर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, तो आप हेडिंग डालोगे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो ये क्या होते हैं, एन एम्पलीफायर इन विच ओनली वन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन इन टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल, देन इट इज नोन एज सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। यानी ऐसे एम्पलीफायर जिसमें सिर्फ एक बार ही एम्पलीफिकेशन होता। अब एक बार एम्पलीफिकेशन करने के लिए सिर्फ मुझे एक ही ट्रांजिस्टर का यूज करना होगा, तो ऐसे एम्पलीफायर जो सिर्फ एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनते हैं और सिर्फ सिग्नल को एक ही बार एम्पलीफाई करते हैं, तो ऐसे एम्पलीफायर को हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर दूसरी कैटेगरी है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ये क्या होते हैं, नोट्स में आप ऐसे लिख सकते हो, एन एम्पलीफायर इन विच मोर देन वन ट्रांजिस्टर आर यूज फॉर एम्पलीफिकेशन इन टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल, देन इट इज नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यानी एम्पलीफायर जो एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाए जाते हैं, उनमें क्या होता है कि अब एक ट्रांजिस्टर एक बार एम्पलीफिकेशन करेगा, दूसरा ट्रांजिस्टर दूसरी बार सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करेगा, तीसरा ट्रांजिस्टर तीसरी बार सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। यानी एक इनपुट का सिग्नल कई बार अगर एम्पलीफाई हो रहा है किसी एम्पलीफायर के अंदर, तो ऐसे एम्पलीफायर को मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। बिकॉज ऐसे एम्पलीफायर में, यानी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं, तो हमें पता है कि हर एक ट्रांजिस्टर कुछ ना कुछ सिग्नल में एम्पलीफिकेशन करेगा। तो इस तरह से मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर इनपुट सिग्नल को कई बार एम्पलीफाई किया जा रहा है, तो इस वजह से, यानी कई स्टेज में एम्पलीफिकेशन हो रहा है, इस वजह से ऐसे एम्पलीफायर को मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। तो यहां तक पहुंच करके नोट करें। अब एम्पलीफायर की वो प्रॉपर्टी जिनकी हेल्प से हम किसी एम्पलीफायर को ये बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का एम्पलीफायर है, या ये एम्पलीफायर एक खराब क्वालिटी का एम्पलीफायर है, मतलब कैसे पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा एम्पलीफायर बहुत अच्छा है और कौन सा एम्पलीफायर बहुत खराब है, उसके लिए बहुत सारी एम्पलीफायर की हम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो ही होती है। पहला है गेन ऑफ एम्पलीफायर, ये एक एम्पलीफायर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जनरली एग्जाम में पूछी भी जा सकती है या कैलकुलेट करने के लिए आ भी सकती है। और दूसरा है बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर, ये भी एम्पलीफायर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा बहुत सारी होती हैं एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है
तो मैंने आप इसके आगे नोट्स में ये भी लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एम्पलीफायर आर फर्स्ट गेन ऑफ एम्पलीफायर, जिसको आप एम्पलीफायर गेन भी बोल सकते हो या सिंपली गेन भी बोल सकते हो, और दूसरी प्रॉपर्टी है बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर। ये क्या होती है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जिसे हमने हेडिंग दी है गेन ऑफ एम्पलीफायर, या आप इसे एम्पलीफायर गेन भी बोल सकते हैं या आप इसे सिंपली गेन बोल सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सिंपली गेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें नोट्स में ये लाइन लिख सकते हो, एज वी नो दैट एन एम्पलीफायर मे बी डिफाइंड एज टू पोर्ट डिवाइस। टू पोर्ट मीन्स इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट, इट मीन्स एम्पलीफायर क्या है, टू पोर्ट डिवाइस है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में भी ये बात मेंशन कर दी है कि टू पोर्ट कहने का मतलब है इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट, ठीक है, विच एक्सेप्ट एन इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूसेज एन एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट सिग्नल। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझो लाइनों का मीनिंग ये है कि एम्पलीफायर का काम क्या है, कि एम्पलीफायर एक टू पोर्ट डिवाइस है, एक इनपुट पोर्ट होगा एक आउटपुट पोर्ट होगा, और वीक सिग्नल को इनपुट पोर्ट में देंगे तो आउटपुट पोर्ट में हमें एक एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा। वो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल कैसा होगा, इस इनपुट सिग्नल के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, देखो अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो शेप चेंज हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये, मैं ये कह रहा हूं कि एम्पलीफायर क्या कर रहा है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, उसका शेप चेंज नहीं कर रहा है, यानी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हुए उसका शेप चेंज ना हो, इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के जस्ट प्रोपोर्शनल हो, तभी ये पॉसिबल है कि हमारे इनपुट सिग्नल का शेप चेंज नहीं होगा और एम्पलीफिकेशन के बाद हमें सेम शेप का एक एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ये कंडीशन है, यानी कंडीशन ये है कि एम्पलीफिकेशन के लिए, एक प्रॉपर एम्पलीफिकेशन के लिए आउटपुट सिग्नल का इनपुट सिग्नल के प्रोपोर्शनल होना बहुत जरूरी है। वही बात मैंने यहाँ नोट्स में भी लिखवा दिया। अच्छा, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के प्रोपोर्शनल है, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी एग्जिस्ट करेगा, वो बात मैंने आगे लिखवाई है नोट्स में, फुल स्टॉप। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन आउटपुट सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल इज नोन एज गेन, यानी उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है, यहां तक नोट कर लेना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने सिर्फ सिग्नल की बात की है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात की है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल करंट की फॉर्म में भी हो सकता है और वोल्टेज की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी गेन दो टाइप की हो सकती है। पहला जो गेन हो सकती है वो होगी वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। अगर ये वोल्टेज गेन हमें कब मिलेगी, जब हम ये अज्यूम करें कि एम्पलीफायर जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है वो वोल्टेज के फॉर्म में है, तब उस केस में हमें एम्पलीफायर की जो गेन मिलेगी उसे हम वोल्टेज गेन बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरा केस क्या होगा, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि एम्पलीफिकेशन हमें एक करंट सिग्नल का करना है, यानी सिग्नल करंट के फॉर्म में है, तो अगर हमने एम्पलीफायर को जो इनपुट सिग्नल दिया है वो करंट के फॉर्म में है, तो उसके एम्पलीफिकेशन के बाद भी हमें करंट ही मिलेगा। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल करंट के फॉर्म में होता है तो जो गेन हमें एम्पलीफायर की मिलेगी उसे हम करंट गेन कहेंगे, करंट गेन। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कंडीशन क्या कह रही है कि एक प्रॉपर एम्पलीफिकेशन के लिए आउटपुट सिग्नल का प्रोपोर्शनल होना जरूरी है इनपुट सिग्नल के, ठीक है। कब, जब हम ये ज़ूम कर रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है या इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो वोल्टेज की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं ए सफिक्स में वी लिख रहा हूं। ए क्या है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है गेन को, और वी क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज गेन को। तो वी सफिक्स में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो गेन है ये वोल्टेज की गेन है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, वी इन, ठीक है। यहां से हम गेन का, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बना सकते हैं, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आउट अपॉन वी इन, ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से समझो करंट गेन, यानी अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा जो सिग्नल है वो करंट के फॉर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट सिग्नल क्या होगा, एक करंट का, करंट के फॉर्म में होगा, यानी अगर आउटपुट करंट क्या है, आई आउट है, और इनपुट सिग्नल भी करंट के फॉर्म में होगा,
और इनपुट सिग्नल में करंट की जो वैल्यू है अगर मैं उसे आई इन बोलूं, तो एक प्रॉपर एम्पलीफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, आउटपुट करंट प्रोपोर्शनल होना चाहिए इनपुट करंट के। अच्छा, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ए सफिक्स में आई लिखेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई मींस करंट गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है गेन को और सफिक्स में आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गेन जो है वो करंट की गेन है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाने के बाद आई इन हो जाएगा, यानी यहां से करंट गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए आई इज इक्वल टू आई आउट यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। क्लियर हो गई बात। अच्छा, सिंपल सी बात है कि एम्पलीफायर किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। अब सिग्नल तो दो फॉर्म में आ सकता है ना, वोल्टेज के फॉर्म में भी एम्पलीफायर को सिग्नल दिया जा सकता है और करंट के फॉर्म में भी एम्पलीफायर को सिग्नल दिया जा सकता है। बट हम एक और चीज जानते हैं, पावर, अगर मैं इनपुट पावर जो हमने दी है एम्पलीफायर को और एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई करके आउटपुट जो पावर रिलीज की है उससे भी तो हम गेन निकाल सकते हैं, यानी एक और गेन हम बना सकते हैं। जब हम वोल्टेज गेन को डिफाइन कर सकते हैं, जब हम करंट गेन को डिफाइन कर सकते हैं, तो हम एक और गेन डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह से, जिसे हम कहते हैं पावर गेन। पावर गेन अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो समझो, ठीक है, अभी अच्छी तरह से लिखवा दूंगा, आप चिंता मत करो। देखो पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, है ना, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। अच्छा, मुझे इनपुट वोल्टेज भी दिखाई दे रहा है, इनपुट करंट भी दिखाई दे रहा है, यानी इनपुट पावर मुझे पता है, यानी एम्पलीफायर के इनपुट पे जो पावर दी गई है उसकी वैल्यू क्या है, पी इन की वैल्यू क्या है, वी इन इनटू आई इन। इसी तरह से आउटपुट पावर क्या हो जाएगी एम्पलीफायर के लिए, V out यानी आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। अच्छा, जैसे कि हमने वोल्टेज गेन को डिफाइन किया, जैसे कि हमने करंट गेन को डिफाइन किया, वैसे हम पावर गेन को डिफाइन कर सकते हैं। यानी पावर गेन को डिफाइन करने के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर एम्पलीफिकेशन के लिए जो आउटपुट पावर होगी सिग्नल की, सिग्नल की आउटपुट पावर होगी वो प्रोपोर्शनल होगी जो सिग्नल हमने इनपुट पे दिया है उसकी पावर के। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हट जाएगा तो पी आउट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ए आएगा और सफिक्स में पी लिखोगे। ए रिप्रेजेंट करता है गेन को और पी रिप्रेजेंट करता है, ये जो गेन है ये पावर की गेन है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया और पी इन आगे से लगा दोगे, यानी पावर गेन एपी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर गेन एपी का फॉर्मूला क्या हो गया, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो वी आउट इनटू आई आउट अपॉन वी इन इनटू आई इन। इस तरह से भी आप पावर गेन को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है, यहां तक पहुंच करके नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट्स में वोल्टेज गेन के बारे में भी लिखना है और करंट गेन के बारे में भी लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, मैंने स्क्रीन के सामने पहले ही नोट कर दिया है। यानी अगर नोट्स के फॉर्म में यही सारी डिटेल लिखनी है वोल्टेज गेन की और करंट गेन की तो आप इस तरह से लिख सकते हो, हेडिंग डालोगे वोल्टेज गेन और लिख सकते हो इफ एन एम्पलीफायर टेक अ वीक वोल्टेज सिग्नल वी इन एट इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल वी आउट फ्रॉम इट्स आउटपुट, देन फॉर एन एम्पलीफायर वी हैव, हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा तो हमें वोल्टेज गेन मिल जाएगी। इस तरह से आप इसे क्वेश्चन नंबर वन बोल सकते हो। और इस फॉर्मूले में वी इन क्या है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल, वी आउट क्या है, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, ए वी क्या है, वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। क्लियर होगी बात। इसी तरह से आप नोट्स में करंट गेन के बारे में भी लिख सकते हो, इफ एन एम्पलीफायर टेक अ वीक करंट सिग्नल आई इन एट इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस एम्पलीफाइड करंट सिग्नल आई आउट फ्रॉम इट्स आउटपुट, देन फॉर एन एम्पलीफायर वी हैव, हमें पता है कि आउटपुट सिग्नल
आउटपुट करंट सिग्नल प्रोपोर्शनल होगा इनपुट करंट सिग्नल के, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा हमारा करंट गेन होगा। तो इस फॉर्मूले इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दोगे, और इस फॉर्मूले में कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप वेयर करके बताओगे, आई इन रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट करंट सिग्नल, आई आउट रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट करंट सिग्नल, ए आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। इस तरह से आप नोट्स में भी वोल्टेज गेन और करंट गेन के बारे में लिख सकते हैं। नोट्स में पावर गेन के बारे में भी अगर आपको लिखना है तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, आप हेडिंग डालोगे पावर गेन और लिख सकते हो इफ एन एम्पलीफायर टेक इनपुट सिग्नल फॉर विच वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर वी इन एंड आई इन रिस्पेक्टिवली एंड इट प्रोड्यूसेज एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल फॉर विच वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर वी आउट एंड आई आउट देन। तो इनपुट पावर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो इनपुट पावर पी इन क्या हो जाएगी वी इन आई इन, ठीक है, आउटपुट पावर क्या हो जाएगी पी आउट इक्वल टू वी आउट आई आउट। तो फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे फॉर एन एम्पलीफायर वी नो दैट आउटपुट सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट सिग्नल, तो ये पावर के लिए भी ट्रू होगा, यानी आउटपुट पावर प्रोपोर्शनल होगी इनपुट पावर के, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटेगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, ठीक है। तो इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एपी को आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बोलोगे। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 में पी इन क्या है इनपुट पावर, पी आउट क्या है आउटपुट पावर, और एपी क्या है पावर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। तो यहां तक पॉज करके नोट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 3 को और अच्छी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे देखो, एपी का फॉर्मूला हो गया पी आउट अपॉन पी इन। अच्छा, पी आउट की वैल्यू ये है, यानी वी आउट आई आउट का मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन पी इन की वैल्यू क्या है वी इन इंटू आई इन का मल्टीप्लाई। अच्छा, वी आउट अपॉन आई आउट क्या होता है वोल्टेज गेन, आई आउट अपॉन आई इन क्या होता है करंट गेन, क्योंकि हमें पता है ना वोल्टेज गेन क्या होता है ए वी इक्वल टू वी आउट अपॉन वी इन, ये मैंने फॉर्मूला बताया था इक्वेशन नंबर 1 में। इसी तरह से करंट गेन आई ए आई क्या होता है आई आउट अपॉन आई इन, ये होता है करंट गेन का फॉर्मूला, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 में दिखाया था, ठीक है। तो यानी एपी का फॉर्मूला, यानी पावर गेन का फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो, इसको रिप्लेस करोगे एबी से और इसको रिप्लेस करोगे एआई से, यानी पावर गेन का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, यानी पावर गेन को कैलकुलेट करने के लिए आपको वोल्टेज गेन और करंट गेन का जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल सकते हो और यहां तक पहुंच करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद जस्ट आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज इस इक्वेशन में करोगे तब जाके ये इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो एम्पलीफायर के लिए गेन कैसे कैलकुलेट करनी है, चाहे वो वोल्टेज गेन हो चाहे वो करंट गेन हो या फिर पावर गेन हो, उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपकी स्क्रीन की पे नोट कर दिया है। एग्जाम्पल है डिटरमाइन वोल्टेज गेन ए वी करंट गेन ए आई एंड पावर गेन ए पी ऑफ एन एम्पलीफायर इफ इनपुट सिग्नल इज 0.1 mA एट 10 mV एंड इट्स आउटपुट सिग्नल इज 1 A एट 10 V, ठीक है। तो यानी आपको सिग्नल का करंट और वोल्टेज दोनों पता है, इनपुट पे भी आउटपुट पे भी, तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करें, सबसे पहले वोल्टेज गेन ए वी क्या होता है वी आउट अपॉन वी इन। अच्छा, वी आउट की वैल्यू क्या है 10 V, ठीक है, वी इन की वैल्यू है 10 mV। देखो मैं यहां लिख देता हूं वी आउट की वैल्यू क्या है 10 V और वी इन की वैल्यू क्या है 10 mV। अच्छा, मिली को किस में लिखते हैं 10 raised to power 10 × 10⁻³⁰ V, क्लियर हो गई बात। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10^-2 वोल्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे V इन की वैल्यू क्या हो गई 10^-2, यानी वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा 10/-2 को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा 10×10^2 यानी 10^3 यानी 1000। क्लियर होगी बात। अच्छा करंट गेन को कैलकुलेट करते हैं AI को, तो ये क्या होगा आई इन आई आउट अपॉन, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, आई आउट अपॉन आई इन, ठीक है। अगेन आई आउट की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर, आई इन की वैल्यू क्या है 0.1 मिली एम्पियर। अच्छा मिली एम्पियर को अगेन 0.1×10^-3 एम्पियर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1×10^-4 एम्पियर, ठीक है। यानी आई इन की वैल्यू हो गई, तो आई आउट क्या है 1 एम्पियर, आई इन की वैल्यू क्या है 10^-4, यानी यहां से क्या हो जाएगा ए आई यानी करंट गेन क्या हो गया 10^+4 यानी 10000। ये आपका आंसर नंबर 2 है। अच्छा अब पावर गेन पी आउट, सॉरी पावर गेन यानी ए पी क्या हो जाएगा पी आउट अपॉन पी इन, यही फॉर्मूला है, पहले साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। पी आउट क्या होता है आई आउट वी आउट इंटू आई आउट, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज कितना है 10, आउटपुट करंट क्या है 1, यानी ये हो गया टोटल 10। अच्छा पी इन क्या हो गया इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज क्या है 10 mV × 0.1 mA। अच्छा ये 10×0.1 यानी 1 हो जाएगा, यानी 1 mV × 1 mA, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसको वोल्ट में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 10^-3 वोल्ट इंटू 10^-3 एम्पियर, तो यानी ये हो जाएगा 10^-6 वॉट, ये हो गई पावर। यानी वोल्टेज वॉट, वोल्टेज इंटू करंट, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई की यूनिट होती है वो वॉट होती है, यानी पावर वॉट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के पी आउट क्या है 10 और पी इन क्या है 10^-6 यानी एपी यानी पावर गेन क्या हो जाएगा 10^-7। अब सोचो ये कितना बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो सारे जो गेन है, चाहे वोल्टेज गेन हो चाहे करंट गेन हो या पावर गेन हो, अगर मैंने कैलकुलेशन कहीं गलत की है तो आप खुद सही कर लेना, बस मेरा काम है मेथड को समझाना, ठीक है। तो हम यहां देख रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ये एक टिपिकल एग्जांपल है, ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊं कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो इनपुट है ये माइक्रो एम्पियर और ये माइक्रो वोल्ट में चलता है, यानी माइक्रो एम्पियर यानी 10^-6 के टर्म्स में चलता है करंट और वोल्टेज, लेकिन आउटपुट सिग्नल एम्पियर और वोल्ट में ही मिलता है क्योंकि हमें इसी की जरूरत पड़ती है अगर मुझे सिग्नल को यूटिलाइज करना है। तो सिग्नल को यूटिलाइज करने के लिए रेंज क्या होनी चाहिए, एम्पियर और वोल्ट की रेंज में होना चाहिए सिग्नल, मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट में नहीं चलेंगे, एम्पियर और वोल्टेज में चाहिए हमें सिग्नल अगर मुझे उस सिग्नल को यूटिलाइज करना है। तो सिंपल सी बात है, गेन देखो जब मैं मिली एम्पियर और मिली वोल्ट में ही सिग्नल ले रहा हूं इनपुट में, तब हमारा गेन देखो 1000, 10000 और 10^7 इस टाइप की गेन हमें मिल रही है। तो सोचो अगर माइक्रो एम्पियर और माइक्रो वोल्ट से हम सिग्नल को एम्पलीफाई करें तो गेन और ज्यादा आएगी, सिंपल सी बात है। फिर
आउटपुट सिग्नल ज्यादा होगा और इनपुट और कम हो जाएगा, तो अगेन हमें गेन और ज्यादा मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि जो वोल्टेज गेन है वो ऑलवेज मतलब टिपिकली 10^3 से ज्यादा होती है, करंट गेन भी 10^6 से 3 से ज्यादा ही होती है, और आपका पावर गेन भी 10^6 से ही ज्यादा होती है। मतलब ये एक टिपिकल गेन है अगर हम सिंपली गेन कैलकुलेट करें किसी एक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के लिए। यानी ऑब्वियस सी बात है गेन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, वो 1000 के टर्म में आएगी। यानी 1000 तो मैंने 100,000 भी हो सकता है, 100,000 से ज्यादा भी हो सकता है गेन। यानी एक टिपिकल कैलकुलेशन अगर हम करें किसी एम्पलीफायर की गेन के लिए, चाहे वोल्टेज गेन हो, करंट गेन हो या पावर गेन हो, तो वो गेन इस तरह से मिलती है। यानी गेन का जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से हम गेन को सिंपली ऐसे नहीं कैलकुलेट करते, गेन को हम डेसिबल की यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज ये नंबर को रिप्रेजेंट करना, किसी बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत टफ होता है, तो इस वजह से हम एक ऐसी यूनिट का यूज करते हैं, डेसिबल यूनिट का यूज करते हैं, जिससे कि हम चाहे वोल्टेज गेन हो या करंट गेन हो या पावर गेन हो, उनको हम सिंपली सिंपल टर्म में रिप्रेजेंट कर सके। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, गेन की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। देखो वोल्टेज गेन में वोल्टेज का रेशियो है, करंट गेन में करंट का रेशियो है, पावर गेन में पावर का रेशियो है। तो कहने का मतलब है क्या कि गेन एक रेशियो है, यानी एक नंबर है, बट ये नंबर की वैल्यू बहुत लार्ज आ रही थी, तो इस लार्ज वैल्यू को शॉर्टकट में समझने के लिए हम डेसिबल यूनिट का यूज करते हैं। अब डेसिबल यूनिट में वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी समझते हैं। तो फिर आप आगे नोट्स में लिख सकते हो, जनरली गेन ऑफ एन एम्पलीफायर हैज वेरी लार्ज वैल्यू, सो टू अवॉइड लार्ज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेन वी जनरली कैलकुलेट गेन इन डेसिबल यूनिट। जैसा कि मैंने एग्जांपल की हेल्प से समझाया था कि एम्पलीफायर की गेन चाहे कोई सी भी हो, वोल्टेज गेन हो, करंट गेन हो या पावर गेन हो, उन सबकी वैल्यू बहुत बड़ी आती थी, तो उस बड़ी वैल्यू को अवॉइड करने के लिए हम गेन को डेसिबल यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करना है उसको समझ लेते हैं एक फॉर्मूले की हेल्प से। तो पहला, वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट, ठीक है। तो वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट को अगर मैं स्मॉल av से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो av को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 20 log 10 av करना होगा। अभी मैंने बताया av क्या है, वेयर av क्या है, वोल्टेज गेन, नॉर्मल वोल्टेज गेन, जो कि थी v out अपॉन v। क्लियर हो गई बात? यानी ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट कैलकुलेट कर सकते। डेसिबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे db लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है करंट गेन इन डेसिबल यूनिट, करंट गेन इन डेसिबल यूनिट। करंट गेन इन डेसिबल यूनिट को हम ए स्मॉल आई, स्मॉल ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला था, अभी इक्वेशन नंबर 4 के बाद इक्वेशन नंबर इसे 5 बोल देना, और इक्वेशन नंबर 5 में जो ए वी है उसे उसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में बताई थी। अच्छा, करंट गेन इन डेसिबल यूनिट यानी ए आई को कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे 20 log 10 AI, ये फॉर्मूला है, इसे आप इक्वेशन नंबर 6 बोलोगे, ठीक है। वेयर आप बताओगे कि AI क्या है, करंट गेन, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं I आउट अपॉन I इन से, और ये फॉर्मूला मैंने कहां बताया है, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। अब थर्ड है पावर गेन इन डेसिबल यूनिट, इसे हम स्मॉल एपी से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, स्मॉल एपी इक्वल टू यहां पे 10 होगा, 10 लॉग 10 वेज एपी, ये फॉर्मूला होगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 7 बोलोगे। और एपी की वैल्यू हमने बताई थी क्या थी, वेयर एपी की वैल्यू थी पी आउट अपॉन पी, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इक्वेशन नंबर 3 में बताया। तो इस तरह से आप वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट को इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, करंट गेन इन डेसिबल यूनिट को इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, और पावर गेन इन डेसिबल यूनिट को इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने फॉर्मूला वोल्टेज गेन का करंट गेन का एक जैसा ही लगभग बनाया है, लेकिन पावर गेन का डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आगे से 20 का मल्टीप्लाई है, 20 का मल्टीप्लाई है, इसके आगे से 10 का मल्टीप्लाई क्यों है, इसका रीजन समझाता हूं। पहले इसको आप नोट कर लो। देखो समझो, पावर गेन क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी पावर गेन को मैं सिंपली अभी मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, पी आउट अपॉन पी इन से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पावर गेन इन बेल्स, बेल्स एक फॉर्मूला है, कहने का मतलब है पावर गेन को अगर मैं बेल्स में कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या करना होगा, लॉग 10 वेज पी आउट अपॉन पी इन कैलकुलेट करना, समझ गए। देखो सिंपल सी बात है, पावर गेन का फॉर्मूला जो अभी मैंने समझाया वही है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पावर गेन इन बेल्स क्या होता है, तो वो सिंपली होता है 10 लॉग 10 वेज पी आउट अपॉन पी इन, या लॉग 10 वेज पावर गेन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो लॉग 10 वेज पावर गेन, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो लॉग 10 वेज एपी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि पावर गेन इन डेसिबल, अगर मैं कहूं पावर गेन इन डेसिबल क्या होगा, तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले के आगे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी क्या था, इसके आगे 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या बचा, log 10 वेज पी आउट अपॉन पी इन, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो log 10 वेज एपी, यानी पावर गेन, ठीक है, यानी पावर गेन इन डेसिबल यूनिट का फॉर्मूला ये बना। अब मैंने बताया कि पावर गेन इन डेसिबल को रिप्रेजेंट हमने किसे किया है, स्मॉल एपी से, तो स्मॉल एपी का फॉर्मूला क्या हो गया, 10 log 10 वेज एपी। इतनी बात समझ में आई, तो यहां तक नोट करना चाहो तो नोट कर। तो पावर गेन का फॉर्मूला डेसिबल यूनिट में ये बना, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि पावर गेन का फॉर्मूला डेसिबल यूनिट में क्या होगा, तो 10 log 10 वेज पावर गेन, ठीक है, ये क्या है, डेसिबल यूनिट में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है तो मुझे यहां पे वोल्टेज गेन लाना होगा, ठीक है, अगर मुझे वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब है अगर मुझे वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है इन डेसिबल यूनिट, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पे यानी लॉग के अंदर, ठीक है, यहां अभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, लॉग के अंदर मुझे ए बी रखना होगा, ठीक है, इसी तरह से, यानी तब जाके मुझे डेसिबल में मिलेगा वोल्टेज गेन। इसी तरह से अगर मुझे करंट गेन इन डेसिबल यूनिट कैलकुलेट करना है, तो मुझे लॉग के अंदर, लॉग 10 वेज के अंदर करंट गेन रखना होगा, एनोलॉजी का यूज करते हुए। बट ये होगा कैसे, है ना, बट ये होगा कैसे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से देखो कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, अगेन लेके चलते हैं एपी को ही, 10 log 10 वेज एपी की वैल्यू लिख देते हैं पी आउट अपॉन पी इन, है ना,
पावर गेन क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अच्छा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है, कोई चीज फिक्स है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, सर्किट में रेजिस्टेंस फिक्स होता है, वोल्टेज करंट की वैल्यू तो चेंज होती रहती है एक दूसरे के अकॉर्डिंग। तो क्या कर सकते हैं हम फॉर्मूले से, V बाई आई वाले फॉर्मूले की हेल्प से, मैं पहले आई को रिप्लेस कर देता हूं। तो आई को रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा फॉर्मूला। यानी यहां से हमें ये पता चला कि P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई आर। आर फिक्स है तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं इसको कि P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, है ना। यानी यहां से आपको ये पता चला कि P आउट प्रोपोर्शनल होगा V आउट के स्क्वायर के। इसी तरह से यानी इसी एनालॉजी का यूज करो तो P इन प्रोपोर्शनल होगा V इन K स्क्वायर के। अच्छा यहां पे मैंने ऐसा कर रहा था, मतलब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी ढूंढनी थी। अच्छा तो हम इसे सॉल्व करें, AP को सब सॉल्व करें। एक्चुअल में क्या होगा मैं बता देता हूं, एक्चुअल में फॉर्मूला, ताकि आप ये ना कहो कि सर आप आधी अधूरी बात बताते हो। एक्चुअल में ये होगा कि P आउट का फॉर्मूला होगा V आउट का स्क्वायर अपॉन R आउट, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस। ऐसी P इन इक्वल टू हो जाएगा V इन का स्क्वायर अपॉन R इन। यानी यहां पे क्या है, R इन है इनपुट रेजिस्टेंस और R आउट क्या है आउटपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। बट जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, जब मैं ये ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, तो उस केस में मैं ये अज्यूम कर ले रहा हूं कि R आउट इक्वल टू R इन है। क्लियर हो गई बात। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए जस्ट मुझे फॉर्मूला बनाना है, मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए आर इन की भी वैल्यू चाहिए, आर आउट की भी, यानी इनपुट रेजिस्टेंस की भी वैल्यू चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। बट मुझे फॉर्मूला बनाना है, एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। तो जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो है नहीं, तो इसका यूज करें तो क्या हो जाएगा, यानी इस एनालॉजी का यूज करें तो हमें क्या मिलेगा वो देखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P आउट क्या हो जाएगा, K V आउट का स्क्वायर, P इन क्या हो जाएगा, K V इन का स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 10 log 10 V। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया पावर गेन इन डेसिबल यूनिट। ठीक है, अब हमें वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो P आउट की जगह क्या लिख दो, के वी आउट का स्क्वायर अपॉन के वी इन का स्क्वायर। के से के कैंसिल, अब यहां पे देखो पावर नहीं है, अब यहां पे वोल्टेज है। तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं अगली लाइन में मैं इसे रिप्लेस करके वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट बना सकता हूं। ये हो जाएगा 10 log 10 वेज वी आउट अपॉन वी इन का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए वी इक्वल टू 2 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 20 log 10 वेज वी आउट अपॉन वी इन। अच्छा वी आउट अपॉन वी इन क्या होता है, हमें पता है वोल्टेज गेन होता है। वी आउट अपॉन वी इन क्या होता है, वोल्टेज गेन। तो यानी यहां से क्या पता चला, वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट का फॉर्मूला हो गया 20 log 10 वेज ए, ये फॉर्मूला हो गया इन डेसिबल यूनिट। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। यानी पावर गेन का फॉर्मूला डेसिबल यूनिट में ये हो गया, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, 20 log 10 वेज वोल्टेज गेन। ठीक है, ये डेसिबल यूनिट में फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, इसको नोट कर लो पॉज करके। इसी तरह से आप
करंट गेन का भी फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे मिटा दूं? आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। अब मुझे करंट के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूं, वोल्टेज को रिप्लेस कर दूं। तो वोल्टेज को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर बन जाएगा फॉर्मूला। तो यहां से क्या होगा, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस अभी के लिए हम फिक्स मान लेते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से क्या पता चला, पी आउट प्रोपोर्शनल है आई आउट के स्क्वायर के, और पी इन प्रोपोर्शनल है आई इन के स्क्वायर के, ठीक है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आउट इक्वल टू के आई आउट का स्क्वायर, पी इन इक्वल टू के आई इन का स्क्वायर। वैल्यू यहां पुट करो तो क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू 10 लॉग 10 वेज के आई आउट का स्क्वायर अपॉन के आई इन का स्क्वायर, ठीक है। इसे के डैश बोल दो, दोनों के सही नहीं रहेंगे, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, के, तो के डैश से के डैश कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर है तो पावर बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा। अब क्योंकि करंट वाले टर्म दिख रहे हैं तो ये गेन क्या हो जाएगी, करंट की गेन, तो इसे ए आई लिख सकते हो, जो कि हो जाएगी 20 लॉग 10 वेज आई आउट अपॉन आई इन। अब आपको पता है करंट गेन ए आई क्या होता है, आई आउट अपॉन आई इन, तो क्या हो जाएगा, ए आई इज इक्वल टू 20 लॉग 10 वेज ए आई, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया इन डेसिबल यूनिट, करंट गेन इन डेसिबल यूनिट। तो ये लॉजिक है कि कैसे पावर गेन के फॉर्मूले में आगे से 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे वोल्टेज गेन और करंट गेन के आगे 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला, सिर्फ लॉजिक बताया है, ठीक है, एक्चुअल डेरिवेशन नहीं कराया है, सिर्फ लॉजिक समझो कि फॉर्मूले मैंने ऐसे क्यों बनाए हैं डेसिबल यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब कैसे कैलकुलेट करना है वोल्टेज गेन को डेसिबल यूनिट में, करंट गेन को डेसिबल यूनिट में, और पावर गेन को कैसे डेसिबल यूनिट में कैलकुलेट करना, उसका भी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। तो वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन को किस तरह से हम डेसिबल यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं, ये समझने के बाद अब फिर से उसी सेम क्वेश्चन के लिए, वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट, करंट गेन इन डेसिबल यूनिट, पावर गेन इन डेसिबल यूनिट को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझते हैं। तो क्वेश्चन मैंने सेम लिया है, बट इस बार कैलकुलेशन सब डेसिबल यूनिट के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करते हैं, यानी वोल्टेज गेन एवी को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एवी क्या हो जाएगा, वी आउट अपॉन वी इन, अगेन यहां लिख देते हैं, वी आउट की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, ठीक है, वी इन की वैल्यू क्या है 10 मिली वोल्ट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 वोल्ट, यानी वी इन की वैल्यू क्या है 10 रेस टू पावर माइनस 2 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10 रेस टू पावर माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 10 रेस टू पावर 3। अच्छा, ये तो सिंपल गेन हो गई, तो गेन, वोल्टेज गेन इन डीबी आप लिखोगे, वोल्टेज गेन इन डीबी, तो इंप्लाइज दैट वोल्टेज गेन इन डीबी को स्मॉल एवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 20 लॉग 10 वेज कैपिटल एवी, सिंपल गेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 20 लॉग 10 वेज इनटू के अंदर क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन होगी, पावर 3 आगे आ जाएगा, तो 20 इंटू 3 लॉग 10 वेज 10, लॉग 10 वेज 10 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी यहां से आपको वोल्टेज गेन इन डेसिबल यूनिट क्या मिली 60 डेसिबल, ये आपका आंसर नंबर
वन आया, ठीक है। अच्छा ये हमने वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर लिया, अब करंट गेन ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आउट अपॉन आई इन, ठीक है। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, आई आउट क्या है 1 एम्पियर, इजी है, आई इन क्या है 0.1 मिली एम्पियर, या इसे 0.1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 एम्पियर कह सकते हैं, या इसे 10 रेस्ट पावर माइनस 4 एम्पियर कह सकते हैं, यानी आई इन की वैल्यू क्या है 10 रेस्ट पावर माइनस 4 एम्पियर। तो यहां वैल्यू पुट कर लो, आई आउट की वैल्यू 1 है और आई इन की वैल्यू है 10 रेस्ट पावर माइनस 4, यानी ए आई की वैल्यू क्या हो गई, ए आई की वैल्यू हो गई 10 रेस्ट पावर 4। अच्छा तो आप लिखोगे करंट गेन इन डीवी, इंप्लाइज दैट करंट गेन इन डीवी को स्मॉल ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 लॉग 10 वेज ए आई, ए आई की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 20 लॉग 10 वेज 10 रेज टू पावर 4, ठीक है, पावर 4 आगे आ जाएगा, यानी 20 इंटू 4 इंटू लॉग 10 वेज 10, ठीक है। 10 वेज 10 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहां से क्या पता चला, करंट गेन इन डेसिबल यूनिट क्या हो जाएगा 80 डीबी, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। अच्छा अब पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एपी इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन, कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। पी आउट क्या हो गया, देखो पी आउट यानी वी आउट इंटी इंटू आई आउट, वी आउट क्या है 10, आई आउट क्या है 1, यानी 10। अच्छा पी इन क्या हो गया, वी इन इंटू आई इन, इंप्लाइज दैट ये क्या हो गया 0.1 मिली 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट इंटू 0.1 मिली एम्पियर, तो क्या हो जाएगा ये 10 रेज टू पावर 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर वोल्ट, ठीक है। यानी व्हाट, एम्पियर वोल्ट, ठीक है, यानी वोल्ट बन जाएगा। अच्छा ये 10 रेज टू पावर माइनस 3, 10 रेज टू पावर माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, ठीक है, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी 10 रेज टू पावर माइनस 6 वॉट, ठीक है, ये भी क्या है वॉट। अच्छा तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, पी आउट की वैल्यू क्या है 10, पी इन की वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर माइनस 6, यानी एपी की वैल्यू क्या हो गई, पावर गेन क्या हो गया 10 रेज टू पावर 7। अच्छा तो आप लिखोगे पावर गेन इन डीबी, तो पावर गेन इन डीबी को हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एपी इक्वल टू 10 लॉग 10 वेज एपी, तो 10 लॉग 10 वेज एपी की वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर 7, तो पावर 7 आगे आ जाएगा, 10 इंटू 7 इंटू लॉग 10 वेज 10, लॉग 10 वेज 10 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी यहां से क्या पता चला, स्मॉल एपी की वैल्यू क्या हो गई 17 डीबी, ठीक है। तो ये पावर गेन इन डेसिबल यूनिट हो गया, ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। जो एम्पलीफायर की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी हेल्प से हम ये जज कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो वो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है बैंडविड्थ। इसे शॉर्टकट में BWB बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो बैंडविड्थ मींस BW ऑफ एन एम्पलीफायर। तो नोट्स में आप ये लाइनें लिख सकते हो कि
एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या होती है. एम्पलीफायर मस्ट एबल टू एम्पलीफाई द सिग्नल विदाउट एनी डिस्टोर्शन ओवर इंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फुल स्टॉप. सच अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच एम्पलीफायर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री इज नोन एज बैंडविड्थ. इस लाइन का मीनिंग ये है कि एम्पलीफायर जब भी किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है तो जनरली सिग्नल एसी वाला ही होता है. आपको मैं बताऊं, एसी सिग्नल होता है, डीसी भी है, डीसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है ये, बट मैक्सिमम टाइम सिग्नल एसी ही होता है ना. यानी एसी सिग्नल अगर मैंने इनपुट पे दिया है एक एम्पलीफायर के, ये क्या है हमारा एम्पलीफायर है, तो ऐसा नहीं कि हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए ये एम्पलीफायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके बड़ा बना देगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, मतलब यहां सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, ये क्या हमारा आउटपुट सिग्नल और ये क्या है इनपुट सिग्नल. तो होता ये है कि एक ये एम्पलीफायर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में ही एम्पलीफाई कर सकता है, अदरवाइज अगर वो रेंज से बाहर गया इनपुट सिग्नल तो ये एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा बट उसमें बहुत डिस्टॉर्शन होगा. कहने का मतलब क्या है कि ये एम्पलीफाई करने के बाद इस सिग्नल का शेप चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल समझो कि फॉर एग्जाम्पल ये एम्पलीफायर जिस फ्रीक्वेंसी ले, फॉर एग्जाम्पल ये ऑडियो रेंज में काम करता है, ऑडियो रेंज में काम करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि होती है 20 Hz to 20 kHz, इस पे काम करता है. तो ये सिग्नल जब तक ऑडियो रेंज में है यानी इस रेंज में है तो ये सिग्नल जैसा है ये उसे वैसे ही एम्पलीफाई कर रहा है, इस तरह से है ना, वैसे ही एम्पलीफाई कर रहा है. ये सिग्नल था, इसने करेक्ट ऐसे ही एम्पलीफाई किया, सिग्नल का शेप सही है. बट अगर इसकी रेंज फॉर एग्जाम्पल मेगा हर्ज में चली जाए, मान लो 20 MHz to 20 MHz, इस बीच में फॉर एग्जाम्पल हमारा इनपुट सिग्नल चला जाए, यानी सिग्नल वही है बट इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, इस रेंज में आ गई. जबकि एम्पलीफायर किस रेंज में काम करता है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में, 20 to 20 kHz. तो ये क्या करेगा, इस सिग्नल को अब अजीब ही बना देगा, हो सकता है ऐसा बना दे. अभी के लिए बस समझाने के लिए बता रहा हूं, यानी ओरिजिनल शेप से उसने एम्पलीफाई करके उसका शेप ही चेंज कर दिया. इसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन, यानी शेप चेंज करने को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन, इस तरह से. तो कहने का मतलब है जब तक एम्पलीफायर जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल को प्रॉपर मैनर में एम्पलीफाई करता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन तो उसे हम कहते हैं एम्पलीफायर की बैंडविड्थ, यानी जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में एम्पलीफायर सिग्नल को प्रॉपर एम्पलीफाई करता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर. यानी इस एम्पलीफायर की बैंडविड्थ मैंने ये दिखाई है, क्लियर हो गई बात. तभी मैंने लाइनें लिखी, एम्पलीफायर मस्ट एबल टू एम्पलीफाई सिग्नल विदाउट एनी डिस्टॉर्शन ओवर एंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल इस एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, बैंडविड्थ की 20 Hz to 20 kHz. यानी सिग्नल जब तक इस रेंज का मिलेगा एम्पलीफायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके ओरिजिनल इसी शेप में ही रहने देगा विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, इस सिग्नल को ये एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देगा. ठीक है, सच अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच एम्पलीफायर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री इज नोन एज बैंडविड्थ. यानी उस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जिसमें इनपुट सिग्नल अगर हम अप्लाई करें इस एम्पलीफायर पर और ये एम्पलीफायर विदाउट एनी डिस्टॉर्शन उस सिग्नल को प्रॉपर मैनर में एम्पलीफाई करता है, यानी करेक्टली एम्पलीफाई करता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन एम्पलीफाई करता है, तो इस रेंज को ही हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर की बैंडविड्थ कहते हैं. ठीक है, तो बैंडविड्थ फिक्स होती है हर एक एम्पलीफायर के लिए, क्लियर होगी बात. ऐसा नहीं होगा कि किसी एम्पलीफायर के लिए बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो. कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो 0 Hz to infinite Hz तक जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वहां तक ऐसा कोई एम्पलीफायर नहीं है जो सारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है. यानी सारे एम्पलीफायर की एक बैंडविड्थ होती है, यानी हर एक एम्पलीफायर की एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ होती है. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई एम्पलीफायर नहीं है जिसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो. बैंडविड्थ इनफाइनाइट कहने का मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर ले, ऐसा कोई एम्पलीफायर नहीं है. तो जब कोई एम्पलीफायर हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को एम्पलीफाई कर ही नहीं सकता है तो जिस रेंज में सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है उस रेंज को ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर की बैंडविड्थ कहते हैं. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी.
इसको पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो। बेसिक्स ऑफ एन एम्पलीफायर, इस टॉपिक के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए, वो है वोल्टेज एम्पलीफायर। ये वोल्टेज एम्पलीफायर क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो एम्पलीफायर कई टाइप के होते हैं, बट वोल्टेज एम्पलीफायर उस एम्पलीफायर को कहते हैं जो एम्पलीफायर वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, देखो मैं इस टॉपिक को क्यों डिटेल में स्टडी करने वाला हूं अब इस वीडियो में, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को और आने वाले जितने भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं उन सबको स्टडी करने का हमारा जो एम है वो है कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टडी करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक तरह का वोल्टेज एम्पलीफायर है, क्योंकि वो वोल्टेज सिग्नल को ही एम्पलीफाई करता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसको भी इस वीडियो में ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स में आप क्या लिखोगे वो समझ लो। तो वोल्टेज एम्पलीफायर के स्टार्टिंग में नोट्स में आप ये लिख सकते हो, देयर आर वैरायटी ऑफ एम्पलीफायर्स अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल एग्जांपल्स। कहने का मतलब है जैसा कि मैंने अभी समझाया कि एम्पलीफायर कई टाइप के हो सकते हैं, जिनके कुछ एग्जांपल मैंने यहां लिखे हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर किसको कहते हैं जिसका इनपुट सिग्नल भी वोल्टेज के फॉर्म में हो और आउटपुट सिग्नल भी वोल्टेज के फॉर्म में हो। अच्छा दूसरा एम्पलीफायर हो सकता है करंट एम्पलीफायर, ऐसे एम्पलीफायर जिनका इनपुट वोल्टेज इनपुट भी करंट सिग्नल हो और आउटपुट भी करंट सिग्नल हो, तो उसे हम करंट एम्पलीफायर कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, ये वो एम्पलीफायर होते हैं जिनका इनपुट सिग्नल वोल्टेज के फॉर्म में हो और आउटपुट सिग्नल करंट के फॉर्म में हो, तो उसे हम ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर कहते हैं। और नेक्स्ट है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ये वो एम्पलीफायर है जिनका इनपुट सिग्नल करंट के फॉर्म में होता है और आउटपुट सिग्नल वोल्टेज के फॉर्म में होता है। तो हमें तो बात करनी है वोल्टेज एम्पलीफायर की, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में एम्पलीफायर जो होते हैं वो उनका इनपुट सिग्नल भी वोल्टेज के फॉर्म में होता है और करंट सिग्नल आउटपुट सिग्नल भी वोल्टेज के फॉर्म में होता है। यानी मोस्ट ऑफ केसेस में जो एम्पलीफायर होते हैं वो वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं। तो वोल्टेज एम्पलीफायर की बेसिक प्रॉपर्टी आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए पहले हमें एक वोल्टेज एम्पलीफायर का एक सिंबॉलिक फिगर बनाना पड़ेगा, तो वो मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट अस डिस्कस अ वोल्टेज एम्पलीफायर सिंस एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ वोल्टेज एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि आगे हमें वीडियो में आने वाले वीडियो में हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टडी करनी है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, तो इसलिए हम वोल्टेज एम्पलीफायर के डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो उसकी स्टडी हम इस फिगर की हेल्प से करेंगे। अच्छा इस फिगर में क्या क्या शो किया है मैंने उसको पहले समझ लो। देखो इस फिगर में एक सोर्स सिग्नल है, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये एक वोल्टेज सिग्नल है बिकॉज हम वोल्टेज एम्पलीफायर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक वोल्टेज सिग्नल को इस वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट पे डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है सोर्स सिग्नल का एक अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आरएस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स रेजिस्टेंस को, यहां लिख देना आप। वीएस क्या है, सोर्स वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, आरएस क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है एम्पलीफायर को कहीं से तो इनपुट मिलेगा, तो जहां से इनपुट मिल रहा है वो ये है, एक हमारे पास सोर्स है जिसका अपना एक इनपुट रेजिस्टेंस होगा जिसे हम कहेंगे सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी सोर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होगा जिसे हम सोर्स रेजिस्टेंस कहेंगे। अब बहुत से केसेस में क्या होता है कि सोर्स जो सिग्नल भेज रहा है वोल्टेज एम्पलीफायर को, क्या वो सिग्नल मिला बिकॉज इसका एक अपना रेजिस्टेंस है, तो बहुत कम चांसेज है कि जो हम सिग्नल भेज रहे हैं सोर्स से वो वोल्टेज एम्पलीफायर को इनपुट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कंफर्म नहीं है। इसी वजह से मैंने ये सारी चीजें दी हैं। ठीक है, यानी सोर्स रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि सोर्स का ओरिजिनल वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज एम्पलीफायर को इनपुट पे ना मिला हो। तो वोल्टेज एम्पलीफायर को इनपुट में जो सिग्नल मिल रहा है उसे मैंने वी इन बोला है, यानी वी इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल। क्लियर हो गई बात। तो मैंने ये वोल्टेज एम्पलीफायर के स्टार्टिंग में ये जो सर्किट है वो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि देखो सोर्स ने जो वोल्टेज सिग्नल दिया
वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट पे कोई अलग वोल्टेज सिग्नल मिला, क्यों? बिकॉज सोर्स का एक अपना सोर्स रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से सोर्स का ओरिजिनल वोल्टेज सिग्नल हमें आइडेंटिकल ना मिलके कुछ और मिलता है, जिसे मैंने वी इन दिखाया। तो यानी वी इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनपुट वोल्टेज सिग्नल। अच्छा, इनपुट वोल्टेज सिग्नल यानी वोल्टेज एम्पलीफायर ने इनपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल एक्सेप्ट किया, उसका भी एक अपना इनपुट रेजिस्टेंस होता है, तो उसे मैंने आर आई से रिप्रेजेंट किया। यानी आर आई क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा एम्पलीफायर है? वोल्टेज एम्पलीफायर। समझ में आ रही है बात? देखो, सोर्स ने कुछ और सिग्नल दिया, क्योंकि सोर्स के पास अपना सोर्स रेजिस्टेंस है, उसके बाद उसके वजह से सिग्नल कुछ मॉडिफाई होके इनपुट पे कुछ और सिग्नल मिला, तो इनपुट यानी वोल्टेज एम्पलीफायर का जो इनपुट होता है उसका भी एक अपना इनपुट रेजिस्टेंस होता है, जिसे मैंने आर आई से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अब वोल्टेज एम्पलीफायर ने इस वी इन को, जो कि इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल मिला, उसको एम्पलीफाई करके वी आउट बनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे आप इसे वी आउट लिख लो, यानी हमें एक आउटपुट पे सिग्नल मिल गया, बट वो किसी और जगह भेजना पड़ेगा, तो वो कहां से भेजेंगे? हम लोड रेजिस्टेंस से। यानी आउटपुट सिग्नल वोल्टेज एम्पलीफायर से जिस टर्मिनल के थ्रू आउट होगा, वहां पे भी एक रेजिस्टेंस होगा, जिसे मैंने आरओ से रिप्रेजेंट किया। यानी आरओ क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। समझ में आ रही है बात? अरे सिंपल सी बात है, इनपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल मिला उसको एम्पलीफाइड करके वी आउट बनाया गया। अब कैसा प्रोसेस हुआ है वो बाद में समझेंगे या किसी और वीडियो में समझेंगे, बट अभी के लिए समझो कि इस वी इन को एम्पलीफाई करके वी आउट बना दिया। अब वी आउट को वोल्टेज एम्पलीफायर से बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो उसका एक अपना आउटपुट रेजिस्टेंस फेस होगा। इसका मतलब लोड पे ये वोल्टेज सिग्नल अपीयर नहीं होगा, लोड पे कोई और वोल्टेज सिग्नल अपीयर होगा, जिसे हम VL बोल रहे हैं अभी के लिए। यानी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा एक्चुअल में आउटपुट वोल्टेज होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। फिर से समझते हैं। देखो, सोर्स का अपना वोल्टेज सिग्नल था, सोर्स रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट पे कोई और वोल्टेज इनपुट सिग्नल मिला, उसको एम्पलीफाई करके कोई और वोल्टेज आउटपुट सिग्नल हमें मिला, बट क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर का एक अपना आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, जिसके वजह से लोड पर यानी जो बाहर निकालने के लिए जो हम एम्पलीफाइड सिग्नल बाहर निकालेंगे वो कुछ और मिल जाएगा। इस तरह से एक वोल्टेज एम्पलीफायर काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये समझो कि एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर क्या हो सकता है। एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर ये हो सकता है कि जो ये सोर्स का वोल्टेज सिग्नल है वो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन करेक्ट वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट पे अपीयर हो जाए। क्लियर हो गई बात? यानी एक बेस्ट वोल्टेज एम्पलीफायर क्या हो सकता है कि जिसके लिए Vs इक्वल टू Vin हो जाए। क्लियर हो गई बात? और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इसने वोल्टेज एम्पलीफायर ने जो एम्पलीफाइड वोल्टेज आउटपुट दिया है वो करेक्ट लोड का वोल्टेज हो जाए, यानी आउटपुट पे भी, यानी ये क्या है? आउटपुट है। ये क्या है? आउटपुट है। तो आउटपुट पे हमें यही एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल मिल जाए। यानी सेकंड कंडीशन क्या है कि जो वोल्टेज एम्पलीफायर ने जो एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल बनाया है वही वोल्टेज सिग्नल हमें लोड पे भी मिले, यानी आउटपुट पे भी मिले। क्लियर हो गई बात? ये हमारा है, हाँ ठीक है, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। क्लियर हो गई बात? देखो ध्यान से समझो, दिस इज नॉट योर इनपुट, है ना, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। समझ में आई बात? कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये तो सोर्स वोल्टेज है ना, सोर्स वोल्टेज ने एम्पलीफायर को इनपुट पे कितना वोल्ट दिया वो है वी इन, यानी इनपुट वोल्टेज सिग्नल है वी इन और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है वी एल। क्लियर हो गई बात? और एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर वो है जो इनपुट पे वही वोल्टेज सिग्नल एक्सेप्ट करता है जो सोर्स का ओरिजिनल वोल्टेज सिग्नल है। और एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर वो भी होगा जो
लोड पे वही वोल्टेज सिग्नल अपीयर करे जो उसने एम्पलीफाई करके बनाया है। तो ये कंडीशन कब होल्ड करेगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गई बात? यानी एक वोल्टेज एम्पलीफायर ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले वोल्टेज डिवाइडर रूल को समझना होगा। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिनको पता है वो इस वीडियो को फटाफट भगा के आगे देखें, क्योंकि जस्ट मैं फॉर्मूलों का यूज करूंगा कैलकुलेशन करने के लिए। फॉर्मूले ड्राइव करके दिखा देता हूं। देखो, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंस है R1 R2, और इसे मैंने एक बैटरी V वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, तो इसमें एक करंट I रन होगा। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है, R इक्वल टू V बाई I, यानी यहां से इस सर्किट में रन करने वाला करंट कितना होगा, I इक्वल टू V बाई R1 प्लस R2। अच्छा, एक बात बताओ कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज अगर V1 अपीयर हो, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 अपीयर हो, तो हमें पता है कि V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1 एंड V2 क्या हो जाएगा, IR2। अच्छा, I की वैल्यू हमने अभी यहां पे कैलकुलेट की है, तो V1 की वैल्यू क्या हुई, R1 अपॉन R1 प्लस R2 का मल्टीप्लाई V से होगा। V2 की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 V। कहने का मतलब वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, यानी सीधे इस वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉर्मूला यहां बना देते हैं कि V1 को, यानी R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, ऐसी V2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 V। वोल्टेज डिवाइडर रूल ये है कि किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज क्रिएट होगा। ठीक है, अब इस रूल को अप्लाई करके इस फॉर्मूले को हम इस सर्किट के लिए अप्लाई करेंगे। देन एट इनपुट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर वी है, अच्छा वी इनकी वैल्यू क्या होगी, ये वाला रूल लगाओ। तो देखो सर्किट ऐसे ही है, ये वाला सर्किट भी ऐसे ही है। इस सर्किट पे हमारा एसी वोल्टेज है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, मुझे किस इस RI यानी इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सिग्नल चाहिए, तो क्या इनपुट रेजिस्टेंस अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, यानी सोर्स रेजिस्टेंस प्लस इनपुट रेजिस्टेंस, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना होगा, सोर्स वोल्टेज से, यानी Vs से करना होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। फॉर आइडियल एम्पलीफिकेशन, क्योंकि हमें चाहिए आइडियल एम्पलीफिकेशन, यानी हम चाहते हैं कि सोर्स ने जो वोल्टेज सिग्नल लिया है हम करेक्ट उसी सोर्स के वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करें, बट ये तो कुछ अलग मिल रहा है ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कब हमारा वी इन वी एस के इक्वल हो जाएगा, कब, सो फॉर आइडियल एम्पलीफिकेशन वी हैव, देन फॉर आइडियल एम्पलीफिकेशन वी हैव अगर मैं क्या करूं, RS को बहुत बहुत RI को बहुत बहुत लार्ज अज्यूम कर लो, समझ में आ रही है बात। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि RI प्लस RS approximately equal to RI, ऐसा हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V in is equal to RI upon RI, VS implies that V in
इज इक्वल टू बी एस। तो आप लिखोगे फॉर आइडियल एम्पलीफिकेशन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर शुड बी मच लार्ज, है ना। तो आप लिखोगे सो फॉर आइडियल एम्पलीफिकेशन एम्पलीफिकेशन बाय वोल्टेज एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस आर आई शुड बी वेरी वेरी लार्ज। ब्रैकेट में आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, यानी लार्ज कहने का मतलब है इनफाइनाइट। यानी आइडियल कंडीशन क्या है कि वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होगा तो उस केस में जो भी सोर्स का वोल्टेज सिग्नल होगा वो करेक्ट वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट पे अपीयर होगा विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। क्लियर हो गई बात? तो यहां से यहां तक पहुंच करके नोट करिए। फिर आगे आप लिखोगे अगेन एट आउटपुट ऑफ एन वोल्टेज एम्पलीफायर वी हैव, अच्छा अगेन वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करो। तो मुझे क्या चाहिए, आउटपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल मिल रहा है वो VL मिल रहा है, तो VL को आप कैलकुलेट करके देखो। तो VL इज इक्वल टू, देखो क्लोज लूप ये बन रहा है और सोर्स हमारा V आउट है, तो क्या हो जाएगा इसके इस RL यानी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी RL क्या है लोड रेजिस्टेंस है फ्रॉम विच आउटपुट सिग्नल इज टेकन। क्लियर हो गई बात? यानी लोड रेजिस्टेंस से ही आउटपुट सिग्नल को लिया जाता है। क्लियर हो गई बात? ओरिजिनली आउटपुट सिग्नल तो आपका एम्पलीफायर ने दे दिया अंदर, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए आपको एक लोड रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो अगेन वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकालो, तो क्या हो जाएगा आर एल अपॉन आर ओ प्लस आर एल इनटू आउटपुट वोल्टेज सिग्नल फॉर आइडियल एम्पलीफिकेशन वी हैव। देखो हम चाहते हैं कि एम्पलीफिकेशन आइडियल हो, कहने का मतलब जो वोल्टेज एम्पलीफायर ने एम्पलीफाइड सिग्नल बनाया है वही हमें लोड पे भी दिखे। तो कहने का मतलब है उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम ऐसा अज्यूम कर लें कि जो आर एल है वो मच वेरी मच लार्ज देन आर ओ है, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस से बहुत बहुत बड़ा लोड रेजिस्टेंस है, ऐसा अगर हम अज्यूम कर लें। यानी वोल्टेज एम्पलीफायर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत बहुत कम है, ये भी कह सकते हो। यानी वोल्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस अगर बहुत कम होगा तो अपने आप हम ये कहेंगे कि लोड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे होगा क्या, इंप्लाइज दैट इससे होगा ये कि आर एल प्लस आर ओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर एल, तो इंप्लाइज दैट वी एल इज इक्वल टू आर एल बाई आर एल मल्टीप्लाई बाई वी आउट। यानी यहां से पता चला लोड रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल के इक्वल हो जाएगा। सो इससे क्या पता चला कि अगर हमें एक परफेक्ट वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना है तो उसे बनाने के लिए वोल्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस हमें वेरी वेरी लो लेना होगा। यानी इट मींस फॉर अ परफेक्ट वोल्टेज एम्पलीफायर फॉर अ परफेक्ट वोल्टेज एम्पलीफायर वी शुड टेक आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस
ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर, वी शुड टेक आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर वेरी वेरी लो या जीरो। वेरी वेरी लो कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा आप इसे जीरो बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक वोल्टेज एम्पलीफायर, एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज एम्पलीफायर क्या हो सकता है, जिसके लिए मैं बता दूं यहां आइडियल सिचुएशन, जिसके लिए इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट को अप्रोच करे ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो को अप्रोच करे, तो ऐसा वोल्टेज एम्पलीफायर बेस्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप आगे नोट्स में हेडिंग डालोगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। वैसे तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको ही मैंने यहाँ स्क्रीन पे मेंशन किया है। मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ और इसको समझा देता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द एम्पलीफायर गेन एवी यानी वोल्टेज गेन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर वेरिंग वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल। कहने का मतलब है कि वोल्टेज का जो इनपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू अगर चेंज करती भी रहे, ठीक है, आपको पता है कि एसी वोल्टेज की वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है प्लस माइनस के बीच में, या पॉजिटिव वैल्यू ही अगर हो तो वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है एसी वोल्टेज की, तो वो फ्लक्चुएशन के बाद भी हमारा जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो जो आउटपुट देता है जिसके वजह से एम्पलीफायर की गेन हमें मिलती है वो गेन कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, यानी चाहे कितना भी फ्लक्चुएशन हो इनपुट वोल्टेज में आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज प्रोपोर्शनल होना चाहिए इनपुट वोल्टेज के, चाहे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी भी चेंज करे टाइम के साथ, ठीक है। सेकंड है गेन इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी फुल स्टॉप, दस एन आइडियल एम्पलीफायर हैज इनफाइनाइट बैंडविड्थ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एम्पलीफायर, हर एक एम्पलीफायर की एक अपनी बैंडविड्थ होती है, यानी एक अपना फ्रीक्वेंसी रेंज होता है जिसके अंदर ही वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, अदरवाइज उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो यानी एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर वही हो सकता है जो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए गेन कांस्टेंट है, ठीक है। याद रखना गेन हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे वोल्टेज चेंज हो चाहे उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो, ठीक है। यानी याद रखना एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर वही होगा जिसमें वोल्टेज गेन ऑलवेज कांस्टेंट रहे, चाहे वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू चेंज करे टाइम के साथ साथ या वोल्टेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ चेंज करे, उसके बावजूद भी गेन कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब हमें आइडियल एम्पलीफायर की बात करनी है तो आइडियल एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर हुआ, वो वोल्टेज एम्पलीफायर हुआ जिस जो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए अपने गेन को कांस्टेंट रखता है, यानी हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए गेन अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी गेन अपनी वैल्यू कांस्टेंट बनाए रखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है द गेन ऑफ एम्पलीफायर मस्ट रिमेन स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, ये भी इस पॉइंट में भी यही है कि जो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, जो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर होता है उसकी गेन ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहे, चाहे वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू चेंज हो या फिर वोल्टेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो या वोल्टेज सिग्नल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक लगातार वोल्टेज एम्पलीफायर को दिया जा रहा हो, उसके बावजूद भी गेन ऑलवेज कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, यानी ऑलवेज स्टेबल ही रहनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? फोर्थ पॉइंट है एम्पलीफायर गेन शुड नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन टेम्परेचर गिविंग गुड टेम्परेचर स्टेबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि हर एक टेम्परेचर के लिए जो हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर है वो अपने गेन को कांस्टेंट रखे, यानी टेम्परेचर चेंज अगर होता भी रहे उसके बावजूद एम्पलीफायर की गेन कांस्टेंट रहनी चाहिए या एम्पलीफायर की गेन अनअफेक्टेड रहनी चाहिए टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट है फॉर आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस आर आई शुड बी वेरी वेरी लार्ज। जैसा कि अभी मैंने डेरिवेशन में बताया था कि एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर वो हुआ जो सोर्स जो वोल्टेज सिग्नल दे रहा है उसी सिग्नल को वो इनपुट पे रिसीव कर पाए, ठीक है। तो ऐसा कब वो कर पाएगा एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, जब उसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए यानी बहुत लार्ज हो जाए कंपेयर टू सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ इट मींस नो करंट फ्लोइंग इनटू और आउट ऑफ द इनपुट पोर्ट। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आपको पता चलेगा कि वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है यानी इनपुट रेजिस्टेंस जैसे ही इनफाइनाइट होगा तो उस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही इनपुट के अंदर यानी ना ही वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट के थ्रू कोई करंट वोल्टेज एम्पलीफायर के अंदर इनपुट इंटर करेगा, ना तो ऐसा होना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि अंदर से कोई करंट बाहर नहीं जाना चाहिए इनपुट के थ्रू, यानी इनपुट के थ्रू ना ही कोई करंट वोल्टेज एम्पलीफायर के अंदर जाना चाहिए ना ही इनपुट के थ्रू कोई करंट वोल्टेज एम्पलीफायर के बाहर जाना चाहिए, बिकॉज वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का, फॉर आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर आउटपुट रेजिस्टेंस आरओ शुड बी वेरी वेरी लेस। ये भी मैंने प्रूफ कराया है कि एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस टेंस टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जीरो क्यों होना चाहिए कि एम्पलीफायर ने जो एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल बनाया है उसको लोड तक पहुंचाना है हमें विदाउट एनी लॉस, तो वो कब पॉसिबल है जब हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस वोल्टेज एम्पलीफायर का जीरो हो जाए। अच्छा, वोल्टेज एम्पलीफायर ने जो एम्पलीफाइड सिग्नल बनाया है जिसको हमें लोड तक भेजना है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज ना हो, एग्जैक्टली वही एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल लोड तक पहुंचे जो वोल्टेज एम्पलीफायर ने आउटपुट पे प्रोड्यूस किया है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर ने जो एम्पलीफाइड सिग्नल बनाया है उसको लोड तक भेजने के लिए अगर कोई लॉस होता है तो उसे हम लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी समझो कि वोल्टेज एम्पलीफायर ने जो एम्पलीफाइड आउटपुट बनाया है उसको लोड तक भेजने के लिए जितना वोल्टेज लॉस होता है सिग्नल में उसे हम लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए क्योंकि आउटपुट वोल्टेज आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो है इसका मतलब कोई लोडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में, यानी कोई लॉस नहीं होना चाहिए वोल्टेज सिग्नल में जब भी हम एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल को लोड तक पहुंचाते हैं आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में। तो इस लाइन को हम ऐसे नोट्स में लिख सकते हैं, इट मींस देयर इज नो वोल्टेज लॉस अकर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि एम्पलीफाइड आउटपुट को एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज को हम लोड तक पहुंचाने में कितना सिग्नल लॉस या कितना वोल्टेज लॉस मिलता है तो उसे लोडिंग इफेक्ट कहते हैं, और इसके लिए जीरो लोडिंग इफेक्ट होना चाहिए यानी कोई वोल्टेज लॉस नहीं होना चाहिए अगर हम ये कह रहे हैं कि वो एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं।